छात्रों, आज हम जीवों में विविधता वाला भाग चार, ये चूंकि बहुत बड़ा लेसन है इसलिए इसके चार भाग, बल्कि और भी एक पांच भाग भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने अभी तक एने शुरू में हमने निमेटोडा संघ तक के बारे में पढ़ लिया था। एनिमिलिया को 10 जगत में बांटा गया है। तो ये जो पांचवा है वो है एनी लिडा, पांचवे नंबर का जो है वो है एनी लिडा। तो एनी लिडा में आप चित्र में देख रहे हो, इसमें जो उदाहरण है कैचुआ, जो कि आपने देखा है, एक नैरीज होता है, इसके शरीर में बहुत खंड खंड पाए जाते हैं। एक जोक होता है, जोक भी आपने देखा है, कभी कभी पैर में बहुत जोर से चिपक जाता है, कभी कभी जहां पर ये पाए जाते हैं और आसानी से निकलते नहीं है। तो इनका शरीर भी द्विपार्श्वसम्मति का हमने पूर्व में आपको बताया था अर्थ, शरीर बराबर दो भागों में बटा रहता है। शरीर बराबर दो भागों में बटा रहता है। त्रिकोरिक मतलब इसकी त्वचा पर ये तीन स्तर पाए जाते हैं और बीच में गुहा होती है, और इनकी जो गुहा होती है वो वास्तविक देह गुहा होती है। और पूरे शरीर में आप देखेंगे, कैचुए में भी आपने कभी देखा होगा, कैचुए के शरीर की रचना में पूरे शरीर में ऐसे क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं, और इनमें संवहन होता है पदार्थों का, आदान प्रदान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, सरल उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र भी पाया जाता है, और तंत्रिका तंत्र भी, कुछ बहुत ही सरल रचना वाली तंत्रिका कोशिकाएं फैली रहती हैं। तो इस प्रकार ये एनिलिडा है। आपको डिटेल नहीं पढ़ना है इनके बारे में, थोड़े कॉमन लक्षण पढ़ने हैं। तो शरीर में खंड खंड होते हैं और कैचुआ नैरी ये इनके क्या हैं, उदाहरण है। अब हमारा जो अगला फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, ये है छठवें नंबर का, सिक्स नंबर का है आर्थ्रोपोडा। सबसे ज्यादा जीव इसी आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। सारे संघ के जीवों को आप गिन लें और इस संघ के जीवों को गिन लें तो सबसे अधिक संख्या इन्हीं की पाई जाती है। तो ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और इनका शरीर भी बराबर दो भागों में बटा रहता है, द्विपार्श्वसम्मति। द्विपार्श्वसम्मति का अर्थ होता है कि बराबर दो भागों में बटना, और इसमें ये खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र मतलब जो रक्त है वो बंद वाहिनियों, नलिकाओं में न बहकर ऐसे कोटरों में भरा हुआ रहता है शरीर में, और शरीर खंड युक्त होता है, सिर, धड़ और उदर, इस प्रकार इसके तीन भाग पाए जाते हैं। शरीर में खंड होते हैं और जो इसकी टांगे होती हैं, जो क्या रहती हैं इसकी टांगे, उसमें इस प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। ये देखिए, एक तो इनको हम बोलते हैं कि जो टांगे हैं वो संधि युक्त होती हैं। तितली, कॉकरोच, जुए, मच्छर, ये सारा, झींगा मछली, तितली, सारे भी ये जो कीट हैं वो सारे इसी संघ में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो सातवां संघ है वो है मोलस्का। इस संघ के जंतु अधिकतर समुद्री होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, और इसमें भी वही द्विपार्श्वसम्मति मतलब शरीर का दो भागों में बंटना, और इसमें जो देह गुहा बहुत ही कम होती है, थोड़ी छोटी होती है, और शरीर में थोड़ा सा विखंडन होता है, और ये जो मोलस्का संघ के जीव है इसमें बाहरी एक कवच पाया जाता है,
और वो कवच, उसे कैल्शियम कार्बोनेट नामक ऐसे कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, काइटिन उनसे बना हुआ होता है। पदार्थों के आदान प्रदान के लिए संवहनी तंत्र भी होता है, और शरीर में किडनी, किडनी माने गुर्दे भी पाए जाते हैं। और इसका एक उदाहरण है ऑक्टोपस, ये अधिकतर समुद्री जीव है, इसकी 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए इसको ऑक्टोपस कहते हैं। घोंगा, सीप, ये सब आपने देखे हुए हैं। सीप देखी हुई है आपने, कभी कभी रेत में किनारे पर मिलती है। घोंगा भी देखा हुआ है, आप जो शंख बजाते हैं वो वास्तव में ही एक प्रकार का घोंगा है, उसके समुद्री जीव हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। ये हमारा हो गया मोलस्का जगत। तो जो मोलस्का है ये था आपका 7वें नंबर का। अब इसके बाद आता है इकाइनो डरमेटा, जो हमारा 8वां नंबर है, संघ है वो है इकाइनो डरमेटा। ये भी समुद्री जीव है, पूरे समुद्र में पाए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरित करते हैं। और इनकी एक विशेषता है कि जो इनकी, जैसे स्टार फिश आप देखेंगे तो शरीर में छोटे छोटे कांटे जैसी रचना, कठोर आवरण या कांटे जैसी रचना पाई जाती है। देह गुहा भी इसमें पाई जाती है। शरीर भी 3 स्तर का बना होता है, और एक विशिष्ट प्रकार का इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, क्योंकि समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो इनका पानी से ही ये भोजन, गैसें घुली हुई, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और इसका जो बाह्य कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल व कांटे पाए जाते हैं। ये आपको सामान्य पानी में ये जीव नहीं मिलेंगे, अधिकतर ये समुद्री होते हैं। आप देख सकते हो स्टार फिश, इसको तारा मछली भी कहते हैं, समुद्री खीरा ये, और ये पंख तारा होता है, एक समुद्री अर्चिन फूल जैसा दिखाई देता है। हमारा जो अगला वो है संघ है, जो 9वें नंबर का है, वो है प्रोटोकार्डेटा, ये 9 नंबर का है। अब कहना चाहिए प्रोटोकार्डेटा और ये इसके पहले के जो 8 संघ थे, ये बीच की कड़ी है, ये इसके बाद से सारे जो हमारे शुरू होंगे उनमें सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसमें रीढ़ की हड्डी मतलब प्रारंभिक अवस्था में एक नोटोकार्ड पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल छोटा रूप है, वो एक छड़ के आकार का होता है। अभी तक इसके पहले के जितने भी जीव आपने देखे उसमें किसी में नोटोकार्ड नहीं था। यहाँ भी शरीर द्विपार सममिति, द्विपार सममिति मतलब बराबर 2 भागों में बट जाना है। त्रिकोरिक मतलब 3 लेयर होती हैं, और इसमें अंदर देह गुहा भी पाई जाती है, देह गुहा ये अंदर। और ये जो नोटोकार्ड है अंदर शरीर की, आप देख रहे हो यहाँ पर नोटोकार्ड दिख रहा है आपको, छोटी सी एक छड़ जैसी रचना होती है प्रस्टीय, ये यहाँ पर एक नोटोकार्ड होता है। तो इस नोटोकार्ड से हमारी आहार नाल और तंत्रिका ऊतक के बीच में होती है, तो ये नोटोकार्ड इन दोनों के क्या रहेगी, बीच में। तो आहार नाल और तंत्रिका ऊतक को ये क्या करती है, अलग करती है। सब यहाँ पर सरल होता है। इसका एक उदाहरण है बेलेनो ग्लासिस और एक उदाहरण है हर्ड मानिया। ये बेनेलो ग्लासिस का आपको चित्र बताया हुआ है। जो हमारा 10वां संघ है वो है वर्टी ब्रेटा। ये वर्टी ब्रेटा 10वां है। इसमें ये हम लोग भी किस में आते हैं, वर्टी ब्रेटा में आएंगे। आपको अब मनुष्य के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि हमारा जो एनिमिलिया जगत है और हमारा जो फाइलम है वो क्या है, वर्टी ब्रेटा। तो इसमें वास्तविक मेरुदंड पाया जाता है शरीर के अंदर, और अंतः कंकाल आपको मालूम है ना, हड्डियों का एक पूरा कंकाल तंत्र में, इसको मेरुदंड कहते हैं, पूरा सिर से जुड़ा हुआ रहता है। और ये सब जो हड्डियां हैं कंकाल तंत्र की, ये किससे जुड़ी रहती हैं, पेशियों से।
किससे जुड़ी रहती है? पेशियों से, ताकि ये हड्डियां पेशियों के साथ मिलकर गति कर सकें। और शरीर भी द्वि पार्श्व सममिति होता है, मतलब बराबर दो भागों में, त्रिकोणिक, तीन स्तर पाए जाते हैं, देह गुहा होता है। फिर इसको हम छह वर्गों में बांटेंगे, इस वर्टिब्रेटा को कितने वर्गों में बांटेंगे? छह, जो कि अगले आने वाले उसमें हम देखेंगे, आपको अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसका जो लेस चौथा पार्ट रहेगा, उसमें आप देखोगे कि इसको छह वर्गों में बांटा है। तो ये थे मत्स्य वर्ग, सरीसृप वर्ग है, तो इस प्रकार ये। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं वो इसमें आते हैं, एनिलिडा संघ के उदाहरण, व क्या लिखिए, लक्षण लिखिए। धन्यवाद।